Hey guys, I am Face Lemon and you are watching Zuru Guidelines. Guys, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज. गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में जिनका रेंज जो है, जिनका ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम समय का है. अगर आपका एक कंप्यूटर में इंटरेस्ट है लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, या फिर आप कोई ना कोई एक स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपको फिर भी उसके साइड बाय साइड कंप्यूटर सीखना है या किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना है कंप्यूटर में, तो आप इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. गाइस, पहला जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिज़ाइन. गाइस, इसका ड्यूरेशन जो है वो है 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक. गाइस, ये डील्स करता है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, ब्लॉग्स और ई कॉमर्स साइट्स की. वेब डिज़ाइन का ये कोर्स जो है वो मेनली 2 टॉपिक्स को कवर करता है. सबसे पहला जो है वेब स्क्रिप्टिंग एंड ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया. गाइस, ये जो 2 टॉपिक हैं वो ह्यूज रोल प्ले करते हैं किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट में. अगर हम बात करें वेब स्क्रिप्टिंग की, तो वेब स्क्रिप्टिंग में आपको वेब एडिट्स, HTML, CSS, PHP, जावा और जावा स्क्रिप्ट जैसा यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है. ग्राफिक सेक्शन कवर्स करता है जैसे कि बेसिक ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया. गाइस, जैसा कि आप देखो कि बहुत सारी ई कॉमर्स साइट है या बिजनेस है वो अपना एनहांस कर रही है बिजनेस विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट. सो यहाँ पे वेब डिज़ाइनर का रोल जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले होता है. और अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है तो आप एक फ्रीलांसर की तरह बहुत सारी वेबसाइट पे काम भी कर सकते हैं. सो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. अगर हम इसमें कुछ जॉब प्रोस्पेक्ट की बात करें तो जॉब प्रोस्पेक्ट आपकी ये हो सकती है कि आप बन सकते हैं वेब डिज़ाइनर इंडिपेंडेंट, यानी खुद का वेब डिज़ाइनर, यानी कि कुछ एजेंसीज में आप काम कर सकते हैं. दूसरा जो है ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्रीलांसर वेबसाइट में आप काम कर सकते हैं. दूसरा जो है वेब कंटेंट मैनेजर एंड लास्ट है डिज़ाइन कंसल्टेंट एक्सेट्रा. गाइस, सेकंड नंबर का हमारा कोर्स है ऐप डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन कोर्स. गाइस, ये जो कोर्स है वो जनरली 6 मंथ का रहता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन वाइज शायद इस कोर्स का रेंज जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जनरली इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का रहता है. गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे पिछले सालों से जो क्रेज़ है स्मार्टफोन का वो काफ़ी बढ़ चुका है, इंटरनेट का क्रेज़ जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है. और जो भी स्मॉल बिजनेसेस है या बिग बिजनेसेस है वो यही जान रहे हैं कि खुद का एक एप्लीकेशन होने से बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है. तो यहाँ पे एक ऐप डेवलपर जो है वो मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है. गाइस, इसी वजह से ऐप डिज़ाइनर का जो क्रेज़ है वो आगे बहुत आने वाला है. गाइस, ये जो कोर्स है वो कवर्स करता है टॉपिक जैसे कि UI डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐप टेस्टिंग एंड मल्टीमीडिया और इंटीग्रेशन जैसे ये जो टॉपिक्स है वो ये कवर करता है. अगर हम जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, मतलब ये कोर्स करने के बाद आप किस किस जगह पे जॉब ले सकते हो, तो वो ये है कि आप बन सकते हो ऐप डिज़ाइनर, ऐप डेवलपर, गेम डिज़ाइनर, ऐप टेस्टर, गेम टेस्टर और एक एज अ एंटरप्रेनर भी आप काम कर सकते हो. गाइस, 3rd नंबर का हमारा कोर्स है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का. गाइस, ये जो कोर्स है वो नाउडेज एक स्पेशलाइजेशन टाइप हो चुका है और बहुत ट्रेंडिंग में. इसका रेंज जो है कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ टू 2 ईयर्स का होता है. गाइस, यहाँ पे आपको सारे एनिमेशन के सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल एडोबी कंपनी के जो भी सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं. और ये टॉपिक्स करता है कौन से टॉपिक्स ये कवर करता है, तो टॉपिक जैसे कि ये VFX है, VFX प्रो है, बेसिक्स ऑफ एनिमेशन है, फिल्म डिज़ाइन एंड एनिमेशन है, गेम डिज़ाइन है, मल्टीमीडिया डिज़ाइन है, फिल्म मेकर है और एडिटिंग जैसे टॉपिक्स जो है वो ये कवर करता है. इस कोर्स को करने के बाद आप कौन से जॉब ले सकते हो, मतलब आप क्या बन सकते हो, क्या आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स आपके ये हैं कि आप कर सकते हो VFX प्रोफेशनल, खुद का इंडिपेंडेंट VFX प्रोफेशनल स्टूडियो, फिल्म एनिमेशन प्रोफेशनल एट स्टूडियोज, VFX आर्टिस्ट, एंटरप्रेनर, आर्ट एंड क्रिएटिव डायरेक्टर, डिजिटल एंड पब्लिशिंग फिल्म्स. सो गाइज, ये भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. अगर आपको एनिमेशन में इंटरेस्ट है, अगर आपको पसंद आता है फिल्म मेकिंग करना, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो. गाइज, अगर हम 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर पे आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्राफिक डिज़ाइन. गाइज, ये कोर्स जो है वो उनके लिए सूटेबल है जो एक क्रिएटिव है और एक पैशनेट है. ये कौन से कवर्स करता है, कौन से टॉपिक को ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स जो है वो कवर करता है, तो टॉपिक जैसे कि इमेज एनहांसिंग एंड एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एडिटिंग लाइक एडोबी फोटोशॉप और प्रिंट टेक्नोलॉजी जैसे जो यहाँ पे कवर्स है वो करता है, टॉपिक जो है वो यहाँ पे कवर करता है. ये जनरली इसका रेंज जो है वो 6 मंथ का होता है, लेकिन इसमें भी 3 मंथ्स का जो कोर्स है वो अवेलेबल है. गाइस, अगर हम जॉब प्रोस्पेक्ट की बात करें, मीन्स ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, तो ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के बाद आप ये कर सकते हो कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो इंडिपेंडेंट,
एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, एज अ टीम के साथ या किसी एजेंसी के साथ आप काम कर सकते हो, प्रिंटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, क्रिएटिव डायरेक्टर, एंटरप्रेनर वर्क कर सकते हो फ्रीलांसर में, और एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो मैगजीन्स में। सो ये इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहता है। अगर आप एक क्रिएटिव हो, आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा पसंद है, तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। गाइस लास्ट पे हमारा आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन एमएस ऑफिस। गाइस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बंच है एप्लीकेशंस का, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है जैसे कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है। तो इन सारी जो सॉफ्टवेयर है, इस सारे एप्लीकेशंस है, यहाँ पे भी अपना खुद का एक स्पेशलाइजेशन कर सकते हो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। इसमें भी कुछ जॉब्स होती हैं, जॉब्स जैसे कि आप वर्क कर सकते हो किसी ऑफिस में, किसी होम्स में या किसी रेस्टोरेंट्स में, जहाँ पे ये एप्लीकेशन का जो है स्पेशलिटी यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। ये भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, 3 months to 6 months का इसका ड्यूरेशन रहता है। सो ये भी एक अच्छा कोर्स है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हो। सो गाइस ये थे हमारे कुछ बेस्ट शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ये एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर यूज़र आईडी की बात करें तो यूज़र आईडी है facememers0308, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।